अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे भैया। फर्स्ट क्लास होंगे, मज़े में होंगे। आज का ब्लॉग जो है स्टार्ट करेंगे घर से, और आज जो कुछ स्पेशल होने वाला है तो वो आपको बताते हैं आगे चल के। चलते हैं ब्लॉग की तरफ। था आज का जो है ब्लॉग जो है स्पेशल होने वाला है, तो मैं आया हूँ जो अभी ये सदर मार्केट में। तो मैंने कहा यार, ये वॉइस का जो है बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, तो वॉइस के प्रॉब्लम को क्लियर करने के लिए जो है ना माइक ले लेते। तो चले यार, माइक पसंद करते हैं, माइक जो है हम पसंद किस चीज़ का, और जो है देखते हैं कैसा निकलता है। माइक जो है ले लिया, अब जो है चेक कर रहे हैं कि इसकी आवाज़ जो है ठीक आ रही है नहीं आ रही। तो अब जो है अभी चेक कर लेते हैं इसकी वॉइस ठीक आ रही नहीं आ रही, और जो है ना वॉइस चेकिंग हो रही है। वॉइस चेक हो जाता है तो फिर ये इस माइक को जो फाइनल कर लेते हैं। वेलकम बैक। आ गए हैं दुकान के ऊपर, 4 से 5 दिन की छुट्टियों के बाद मज़े करके गोश्त खा खा के अब आ गए हैं दुकान के ऊपर। दुकान के ऊपर आ गए, लेकिन यार बहुत ज़्यादा जो है ना बोरिंग हो जाता है वरना दुकान के आने के बाद 4 से 5 दिन के बाद। अब बच्चे भी आए हैं, ये बोल रहे हैं यार इनकी स्कूल की छुट्टियाँ हैं, जून जुलाई चल रहे हैं, और ये आ गए। कैसी आपकी? हम गोश्त पकाने समंदर जा रहे थे। कितनी लंबी लंबी देख रहा है, बोरे के ऊपर बैठा हुआ। ये देखो बोरे के ऊपर बैठा हुआ, बोले मैं गोश्त पकाने समंदर जा रहा हूँ। की मस्तियाँ खत्म नहीं। क्या घर से क्या बना के लाया आज? दाल, ये बोला दाल कौरमा। ये देखो दोनों टोपिया मैं आने। सही से बताओ क्या पका के लाया? बिरयानी। ले ये बोला गोश्त, ये बोला बिरयानी। सही से बताओ, झूठ बोल रहे तुम लोग? गोश्त ही पकाए। गोश्त खा लोगे? दांत 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 सही है, सही है। ये हड्डियाँ तो है, हड्डियाँ इसके अंदर है। कहाँ गोश्त? बॉडी है। कहाँ है बॉडी? देख कहाँ है बॉडी? अब ये समंदर के हालात खराब हो गया, हड्डियाँ ये देख भाई। ये कोई गोश्त वोश नहीं खाता, बल्कि ये खाना ही नहीं खाता। इसके अब्बा अम्मा अब्बा इसके पीछे भागते रहते कि खाना खा रहा है। मेरा अब्बा खाना वाना कुछ भी नहीं खाता है। तो चलो यार, आज का जो है ब्लॉग जो है ना कंटिन्यू करेंगे दुकान से। अब खाना वाना खाएंगे। नमाज बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है, क्योंकि एक जगह से आ रहे थे, आपको पता है पीछे कहाँ से आ रहे थे। तो नमाज वगैरह पढ़ेंगे, खाना वगैरह खाएंगे, फिर ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं दुकान से। चलो यार, आप लोगों को पता है जो है माइक लेने गया था, तो मैंने कहा यार माइक की टेस्टिंग कर लेते हैं शॉप पर। अब लगाता हूँ मैं माइक, और फिर चेक करते हैं वॉइस में कितना फ़र्क आया। चलो यार, जो माइक लगा लिया, अब चेक कर रहा हूँ कि जो ना वॉइस किसी जाएगी। अब ये नया माल आया है, बंडल खोला है हमने, तो मैंने कहा यार चलो इसका काम हम कर लेते हैं। अब थोड़ा काम भी कर लो, हर वक्त वीडियो बनाते रहते हैं, तो मैंने कहा चलो माइक भी टेस्ट कर लेते हैं। अब जब वीडियो ख़त्म होगी तो फिर चेक करूँगा कि जो माइक किस तरह काम कर रहा है, तो फिर आप लोगों को ब्लॉग में पता लग जाएगा कि माइक किस तरह काम कर रहा है। मिलवाने वाले हैं एक खास स्पेशल गेस्ट हैं, उनसे मिलवाने वाले हैं। और जो गेस्ट है ना, उसकी उम्र बहुत छोटी है, और उम्र छोटी के साथ साथ उसके पास हुनर बहुत बड़ा है। और हुनर क्या है? बहुत बड़ा हुनर है भाई। उसकी उम्र छोटी है और वो है कुरान हाफिज। चलते हैं यार उस बच्चे की तरफ डायरेक्ट। आप नाम भी वो आपको खुद बताएगा, बाकी चीज़ें उसी से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम हमजा, क्या हाल है? सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। आप सुनाओ, तबीयत ठीक है? जी। क्या करते हो भाई आप? बस मदरसे में सुबह जाता हूँ 7:30 बजे। अच्छा, कुरान पढ़ते हो? कुरान मुकम्मल कर लिया? नाजरा हिफ्ज़ किया है? तो हिफ्ज़ से पहले तो नाजरा किया होगा ना? जी। अच्छा, नाजरा कब मुकम्मल किया था आपने? दो साल पहले। अच्छा, हिफ्ज़ कितने साल में किया? 3 साल में। अच्छा माशाल्लाह, आपकी उम्र क्या है अब? 10 साल। अरे भाई माशाल्लाह यार, देखो छोटी सी बच्चा है, छोटी सी उम्र में इसने 10 साल में हिफ्ज़ कर लिया। 10 साल के बच्चों को तो जो है चलना फिरना भी सही नहीं आ रहा होता, कभी कहाँ भाग रहे थे कभी कहाँ भाग रहे थे। और माशाल्लाह 10 साल की उम्र में कुरान जो है इसने हिफ्ज़ कर लिया, भाई अच्छी बात है। यानी कि तुम अपने अम्मा अब्बा को जन्नत में लेके जाओगे? हैं, तुम खुद भी जाओगे? हाँ ना, खुद भी जाओगे जन्नत में? हाँ। चलो फिर कोई क्या सुनाओगे आप हमें कुरान शरीफ में से? बहुत एक अच्छी सी आयत सुना दो जो आपको बहुत अच्छी लगती हो। कौन सी आयत सुनाओगे ये बताओ पहले। ये क्या कर रही है? चलो जी, अब फिर तिलावत सुनते हैं हमजा से, और फिर तिलावत के बाद जो है आप बताइएगा कि कैसी लगेगी तिलावत आपको, ठीक है? चलो जी हमजा, बिस्मिल्लाह करो। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद।
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. माशाल्लाह भाई, अल्लाह जज़ाकअल्लाह। हमजा भाई ने जो है तिलावत कर ली और देखो खुश हो रहे हैं, ये देखो हंस लो, कंफ्यूज हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं, पहली बार कैमरे के आगे जो है ना तिलावत कर रहा है और इसने माइक लगा रहा है, लगाया हुआ है, तुझे थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, बात करने में टेंशन हो रही है। बहुत अच्छी आवाज़ है इसकी, बहुत मुश्किल से मैं तिलावत करवाई है, कॉन्फिडेंस जमा करके इसके अंदर के भाई आप बात करो। असल में ये है कि बात करता रहेगा तो उसका जो है कॉन्फिडेंस खुल जाएगा। चलो कोई बात नहीं, आप अभी इन्हीं के एक छोटे भाई से बात करते हैं। आपने एक ये रूप देख लिया और एक इनके छोटे भाई हैं, उनसे मुलाकात करवाते हैं आपकी। यार एक और बच्चे से मिलवाता हूँ आपको, जो अभी थोड़ी देर पहले जो आपको मिलवाया ना हमजा से, अब ये उसी का भाई है, तो आपको उससे मिलवाता हूँ। हाँ भाई जान, क्या नाम है आपका? हमजला। कैसे हाल है आपके? ठीक है। हाँ। क्या हो रहा है आजकल, क्या कर रहे हो आजकल? हमारे घर में चोरियाँ बहुत हो रही है। अच्छा, कौन कर रहा है? पता नहीं, परसों हम भी 20,000 रुपए लेके गए अलमारी में रख का, वो कल सुबह जब उठे पैसे गायब हो गए थे। दूसरे दिन पैसे गायब हो गए थे, किसने गायब किए ये तो हमें भी नहीं पता। ये बोला हमने नहीं किया, तुम्हें जरूरत थी, तुमने तो नहीं कर लिया कहीं? नहीं, जो कह रहे ये शिंदरा ही है। ये कौन है? ये शिंदरा ही तो मुझे नहीं पता, एक अजीब इंसान। अब इसका हाल क्या सोचा है? क्या हाल क्या सोचा है इसके पैसे जो चोरी हो रहे हैं, इसका हाल क्या सोचा है? इसका हाल है, ये आज ये तीसरा दिन है यही हाल हो रहा है। आज हम रिकॉर्डिंग कैमरा खरीदने जा रहे हैं। अच्छा, रिकॉर्डिंग कैमरा खरीदने जा रहे हो, तो उसके बाद भी तुम्हारा अभी तक कितना नुकसान हो चुका है? 25,000 नुकसान हो चुका है। अब कैमरा खरीदने जा रहे हो? हाँ। कैमरा खरीद के लाके फिर क्या करोगे? फिर लगाएंगे, चोर मालूम करेंगे ये कौन है। और अगर चोर मालूम हो गया फिर क्या करोगे? उसकी पिटाई करेंगे। ओ भाई, ये तो चोर को ढूंढना चाह रहा है और चोर की पिटाई करना चाह रहा है, और चोर पिटाई करने के बाद सुधर जाएगा? सुधरेगा तो नहीं, कैमरा लगाया है तो उससे मालूम होगा ना। चलो भाई, ये चोर पुलिस वाला काम कर रहा है, मुझे 25,000 रुपए नुकसान हुआ है हमारा। अच्छा, 25,000 नुकसान हुआ है। चलो भाई, मुझे लग रहा है ये बड़ों के जो है ना पुलिस वाले ही बनेगा, क्योंकि अभी से इसका दिमाग जो है ना पुलिस चोरों को पकड़ने वाला है। तो फिर इस वाले ब्लॉग को करते हैं यहाँ पर ख़त्म, कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ इंशाल्लाह। तो कल तक के लिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।